रामायण एक प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा है जिसे हिंदुओं द्वारा बेहद प्यार और सम्मान दिया जाता है। कथा तो आप सभी जानते हैं, जिसमें राजा राम माता सीता को लंका से छुड़ाने के लिए दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन अब उसी राम को लेकर चीन ने बड़ा दावा किया है। क्या कुछ कहा है बताएंगे आप। दरअसल हिंदुओं में आराध्य देव श्री राम के वास्तविक अस्तित्व पर अब चीनी स्कॉलरों ने भी अपनी मुहर लगा दी। इससे साफ हो गया है कि प्रभु श्री राम ने वास्तव में पृथ्वी पर त्रेता युग में अवतार लिया था और उनकी रामायण गाथा काल्पनिक नहीं थी। आपको बता दें कि शनिवार को बीजिंग में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित रामायण एक कलातीत मार्गदर्शिका संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कई चीनी विद्वानों ने उन ऐतिहासिक मार्गों का पता लगाते हुए स्पष्ट प्रस्तुतियां दी। इस दौरान चीनी स्कॉलरों ने अपने शोध के दौरान प्रभु श्री राम के पदचिन्हों की खोज करने का प्रामाणिक दावा किया, जिसके बाद कला और साहित्य सिंगुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर डीन जियांग जिंगकुई ने कहा कि यह सांस्कृतिक प्रवास और अनुकूलन एक क्लासिक और संसारिक पाठ के रूप में रामायण के खुलेपन और लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। चीन में रामायण से संबंधित सबसे प्रारंभिक सामग्री मुख्य रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथों के माध्यम से हान सांस्कृतिक क्षेत्र में पेश की गई थी। हालांकि इसे हान सांस्कृतिक क्षेत्र में एक पूर्ण कार्य के रूप में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बौद्ध लिपियों के चीनी अनुवाद का हवाला देते हुए कहा कि रामायण महाकाव्य के कुछ हिस्सों को बौद्ध धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया था, जिसमें दशरथ और हनुमान जैसे प्रमुख व्यक्तियों को बौद्ध पात्रों के रूप में जाना गया। वहीं रामायण की वास्तविकता का एक प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि हनुमान को वानरों के राजा के रूप में दिखाया गया था, जो क्लासिक बौद्ध नैतिक आख्यानों में मिश्रित था, जो बौद्ध शिक्षाओं का पालन करते थे। सन वुकोंग के नाम से जाने जाने वाले मानवीय विशेषताओं वाले बंदर राजा चीन साहित्य और लोक कथाओं में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला सबसे अस्थायी स्थान बना हुआ है। इसके अलावा सिचुआन विश्वविद्यालय के चीन दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के मुख्य विशेषज्ञ और उप निदेशक प्रोफेसर क्यू योंग हुई ने अपनी प्रस्तुति राम के पदचिन्ह विषय पर अपनी प्रस्तुति में संग्रहालय कांझोंग में विश्व हिंदू देवताओं की एक विस्तृत विविधता की तस्वीरें प्रदर्शित की। इसके साथ ही उन्होंने एक हिंदू पुजारी द्वारा प्रबंधित बौद्ध मंदिर की तस्वीर भी दिखाई। यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के माध्यम से था कि भारतीय संस्कृति ने चीन में अपना गढ़ बना। यही कारण है कि भारत चीन सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में हिंदू धर्म का स्थान नगण्य है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि बहुआयामी भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म गैर बौद्ध धर्म दोनों ने चीनी धरती पर अपनी छाप छोड़ी। वहीं जियांग ने आगे कहा कि भारतीय साहित्य क्लासिक तक पहुंच प्रदान की और चीन भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक नया पुल स्थापित किया, जिसमें 24,000 छंदों के इस विशाल कार्य का अनुवाद करने के लिए लगभग एक दशक समर्पित किया और उनका संस्करण चीन में रामायण के अध्ययन के लिए आधारशिला बन गया। जियांग ने आगे कहा कि तिब्बत में रामायण के प्रभाव का अधिक व्यापक और दीर्घकालिक इतिहास है, जहां इसे पहली बार तुबो साम्राज्य की अवधि के दौरान पेश किया गया था। साहित्यिक कृतियों और नाट्य प्रदर्शनों के माध्यम से रामायण न केवल तिब्बती विद्वानों के बीच गहन अध्ययन का विषय बन गया, बल्कि तिब्बत में आम लोगों के बीच भी व्यापक लोकप्रियता हासिल की। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं।